है जा
तुझको मैं क्या कहूँ, तुझे करा वो मेरे शिवरा, साचे दरबार की जय, श्री निवासी भगवान की जय। अभी श्री सतगुरुदेव जी महाराज और उनके सनाती में पूज्य स्वामी जी और जिन भक्तजनों की सेवा लगी है वो ध्वजारोहण के लिए श्री गुरु महाराज जी के साथ पहुंच रहे हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जिनके कटकंदा द्वारा ध्वजारोहण किया जाना है, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था, केवल वही भक्तजन साथ जाएं जिनको इस बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है। और अभी ये जो भक्तजन सामने खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, बाहर आ जाएं, बाहर भी कुछ स्थान है बैठने को, ये अंदर ही बैठ जाएं। इस बावन मेला का शंखनाद हो गया है और बाहर जो बैंड वाले सज्जन हैं उनसे भी निवेदन करने के लिए यहाँ गैलरी में आ जाएंगे दोनों तरफ। और जो ही ध्वजारोहण होगा तब बैंड बजेगा। इधर जो माताएं कुर्सियां लेकर बैठी हैं, या अगर हो सकता हो थोड़ा थोड़ा पीछे, तो कुछ जगह और बढ़ा दें ताकि कुछ संगत और बैठ जाए, हो सके तो थोड़ा पीछे कर जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे ताकि कुछ संगत को और बैठने का जो स्थान है ना वो बढ़ सके उनके लिए। आज का ये रक्षाबंधन का भी पर्व है और वार्षिक भंडारे का शुभ अवसर। सतगुरु देव जी के पावन धाम श्री सतगुरु दयानंद सहारनपुर में दूर दूर से सतगुरु देव जी की कृपा और धन से संगत श्री गुरु दर्शनों के लिए उन्हीं की कृपा से पहुंची है। श्री सतगुरु देव जी महाराज जी ध्वजारोहण के लिए जा रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय,
यानी जो प्रभु रूप में संसार में प्रकट होते हैं उनके पावन धाम पर ये ध्वज फहराए जाते हैं। सत्य का प्रतीक उस ईश्वर के सिवा ये जो घर है श्री परमहंस दयाल महाराज की है।
लेकर कोई जुबान खाली ना रहे, सभी मिलकर जय घोष करेंगे। राघव जी Yeah.
श्री गुरु महाराज जी की पावन रसोई जहाँ लंगर निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। Thank you.
प्रतीक रूप में प्रार्थना करें। बोलो जय राम।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। कोशिश करते हैं दाना को साधन नहीं लगाते, क्योंकि दाना
भाई तुम हम क्या करते तो कहते हैं मैं बरसता हूँ बोलते बरसाता हूँ वहाँ साधु भी थे तो प्रशास्त्र ने उससे पूछा था देव तुम्हारा काम क्या है कहते मैं बोलते बरसाता हूँ तो शास्त्र कहते हैं हमारे माध्यम से भगवान की कृपा संसार में वर्षा करती है तुम्हारा और हमारा एक ही काम है तुम भी बरसते हो और हम भी बरसते हैं तो फिर ये शिव महाराज की कृपा है आप मेरे बारे में कुछ न सोचे मैं तो एक साधारण जीवा आप कैसा एक तरह से जो ग्रंथों का सार है वो श्री गुरु महाराज ने समझा दिया है योग क्या है सेवा क्या है सेवा करने का ढंग तरीका क्या है चापड़ी किसे कहते हैं और प्रभु के साथ एकता के लिए अहंकार को अहम पर छोड़ना कितना जरूरी और अहम सेवा से जाता है सेवा चाबी करने से होती है ऐसे अमृत प्रवचन अपने लिए बड़ा सौभाग्य होता है अमृत सतगुरुदेव जी महाराज जी के मन को विश्राम कर ये बच्चों को पीछे बैठा रहते क्या ये जो गेट पे बैठे अभी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से प्रसाद वितरण भी होना है इसी बीच भजन भी गायन होते रहेंगे साथ साथ चलता रहेगा और जैसा कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने फरमाया है कि जब तक पूर्ण रूप से प्रसाद वितरण ना हो जाए सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे वितरण वाले सेवादार कृपया ध्यान करेंगे तो भजन और इसी बीच में सौरभ जी सौरभ से निवेदन करूँगा एक भजन श्री गुरुचरण बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय रखोगे लाज मेरी रखोगे लाज रखोगे लाज मेरी रखोगे लाज नंगली के मेरे दयाल जी मेरी रखोगे Thank you.
I'm gonna make it.
Thank you.
Yeah.
चलने दे एक बार।
अच्छा नहीं लगा बेटा। इट्स योर अमानत।